अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के हरिनगर का आई ब्लॉक का इलाका है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं और कवरेज कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, एक खौफ है। वो खौफ क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ऊपर 11,000 वोल्ट की हाई पावर बिजली दौड़ रही है और लोगों के घरों के ऊपर से ये तार निकल लिए, लोगों के घरों पे से छत पे से तार ये निकल लिए, जिससे यहाँ के लोग, बरसात का समय चल रहा है और ऐसे में जो यहाँ के लोगों का डर है, खौफ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग छत पे नहीं जा पा रहे हैं। आप इन हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, लोगों के घरों से ये तारें जा रही हैं और बताया जा रहा है कि BSES जो बिजली की कंपनी है उनके अंतर्गत ये सभी तारें आती हैं। और इसी वार्ड के अंदर कई जगह जो है, पूरी दिल्ली के अंदर लगभग ऐसी कई लाइनों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक फंड, एक पैसा BSES को दिया जाता है जिससे वो इस तारों को ज़मीन के अंदर करते हैं और जो ऊपर से खम्भे में हैं इनको, ऊपर से तारों का जंजाल है उसको हटा देते हैं। तो क्या कुछ परेशानी यहाँ के लोगों को हो रही है, किस खौफ के साए में लोग जी रहे हैं, आखिर क्यों जनप्रतिनिधि सोतेला जैसा व्यवहार यहाँ के लोगों से करते हैं, आइए जानते हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, सबसे बात करेंगे। चार नंबर गली में रहते हैं हम लोग के बीच लाइन दिखाई दे रही है, ये घरों के पैसे जा रही है। हाँ, हम लोग के घर से परेशानी, इसकी वजह से आप लोगों को, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बारिश में छत पे नहीं जा सकते हैं, ऐसे भी हम बच्चों के छत पे नहीं जाने देते हैं, कहीं लाइट ना मार दे। बहुत ज़्यादा पूरे दिल्ली का तार हट गया, क्या इस तार में क्या है, ये क्यों नहीं हट रहा है। एक बार नहीं, हजार बार साइन करवा के लेके गए हम लोग ऑफिस पे, गए इधर पता नहीं किसका है ऑफिस, चौकनवा लेके, कुछ भी नहीं होता है। बस आएंगे, साइन करवाएंगे सबका, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी उनके ऑफिस में गए आप लोग शिकायत? हाँ, गए हैं, बहुत बार जा चुके, साइन करके दे चुके, बहुत बार जा चुके हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, नहीं होता है। और क्या क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? विधायक जी आते हैं, विधायक जी की कोई आया तारों को देखने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया, विधायक की तरफ से कोई नहीं आया, हम ही कई बार गए हैं। कहते हैं जी हमारे एंटर में नहीं है, कभी कहते कोई कहता करवा देंगे, कहता हमारे एंटर में है ही नहीं, और लिख के ले जाएंगे और बोट के टाइम पे आएंगे, ना यहाँ की नाली देखता कोई आगे ना कुछ। काफी साल हो गए जब से देख रहे हैं, हमें तो कम से कम 15-16 साल हो गए रहते रहते यहाँ। हाँ, इसी गली में है, लास्ट में जाके है। हाँ, परेशानी है सारी। कभी कभी ऐसा हुआ है आ पाए कहीं कुछ नहीं हो पा जाए, हम तो दीवार डलवा दी हम लोग तो कर सकते हैं। आप इसी गली के रहे? हाँ जी, हम इसी गली के, हमारे मकान बना दे कभी सत्ते छत बढ़े तार बिल्कुल डर नहीं, हमारे एकदम करंट भी लग गया था, छज्जे पे करंट लग गया था, कपड़े सुखा एकदम करंट लगा, नीचे फेंक के मारा था आदमी को। अच्छा जी। हाँ अच्छा, इधर आग लग गई थी इधर मकान में, हाँ इसी तार की वजह से, बारिश में भैया मुझे 30 साल तो मुझे हो गई। हाँ, 30 साल साल में देख खुद। हाँ, तार लेकिन रोड ऊंचा होता ये अब चांद के ऊपर आ गए, सर के ऊपर आ गए, ना तो झाड़ा सीमेंटी हो सकती है, ना ऊपर छत पर कोई जा सकता है, ना कोई मकान बना सकता है, ना कोई बच्चा खेल सकता है, इतने परेशान। नीचे जगह नहीं मिलेगी तो ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जगह नहीं मिलेगी तो अपने अंदर ही रहते हैं बच्चे। हमारी छत पर रोड है तार का, उसमें स्पार्किंग होती ही रहती है। कौन सा तार? 3 नंबर। अम्मा जी, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या संकट है आप लोगों के ऊपर, जरा बताइए। हमारे ये तार, अब देखो वो मेरी छत पर खम्भा लगाया, ये देखो छत पर खम्भा लगा, मेरी छत पर खम्भा लगाया है, अब मेरे मकान चूरा, अब मैं उसे बना नहीं सकती, छत को सही नहीं, रिपेयर नहीं करा सकती, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना ऊंचा खम्भा लगा दिया मेरे, नहीं तो बिल्कुल ही नीचे आ गए थे और हम लोगों को बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हम जीने पर भी नहीं चढ़ पाते थे, ऐसे ऐसे नीचे गिर गए थे, इतने से छत से इतने से डह गए थे, जो मुझे है। और 2006 में 7 में आग लगी थी मेरी छत पर, आपकी छत पर? मैं, हाँ, मेरी छत पर, इसी तार की वजह से, तार की वजह से तार टूटा, हवा चली तार टूटा और मेरी छत पर आग लगी थी, बहुत
वो तो मेरा सामान पड़ा था वहाँ पर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, एमपी हैं, उनके पास आप लोग अपनी शिकायत लेके नहीं गए क्योंकि आपके छत पर खुला है? नारायण दत्त के पास गए थे हम। अच्छा, हम 8-10 और तो अभी जो अभी के जो अभी अभी के जो विधायक हैं उनके पास गए आप लोग? अभी ये प्रधान लोग जा रहे हैं और हमारे ये क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। विधायक जैसे कहते हैं बजट नहीं है हमारे पास, और पैसे इकट्ठा करो। तो जब पैसे इकट्ठा होगा मतलब पता नहीं कितने लाख बता रहे हैं, बहुत पैसा बता रहे हैं। मतलब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए? हाँ, यही है, सुनाई में आया कि भाई पैसा इकट्ठा होगा तो मतलब हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास तो बजट भी मांगी थी कि जगह दो तार डालने के लिए। अब हम तो एक बात बताओ, हम अगर चलो कहीं कोई एक घर का हो, कौन कौन अपना घर तोड़ेगा, कहाँ जगह देंगे ये बताओ? एक खाली जगह है अगर तो उसमें से तो सब सोचेंगे भाई इतनी इतनी चलो सभी छोड़ दें अपने अपने। अब ये सब कौन मकान तोड़ेगा, कहाँ जगह देंगे? सर इसकी समस्या आप लोगों के वार्ड में आ रही है और आप एक विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा रहे हो पूरे क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैंने देखा है आपके जो सब्जी मंडी है वहाँ से भी तारा हट गई है और भी कई जगह से हट गई है। बदरपुर विधानसभा के अंदर पहली बार तो मेरे अपने घर पे से नहीं हटी है, 44 मकानों ऊपर से हटी है। उन 44 मकानों में से तार जब हट गई है, जब दो बच्चे और एक आदमी बेलदार लेबर काम कर रहे थे, जब उसने अपनी शहादत दी है। और रही बात आई ब्लॉक की, इसमें कुल 20-22 लाख रुपये का फंड लगेगा। उसमें क्या है, जो हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी है यूडी डिपार्टमेंट, और अपने संसद मतलब जो अपने विधायक प्रतिनिधि फंड है उसमें तो 22 लाख रुपये का एक लोन वो फंड सेंक्शन होगा। उसके बाद वो यूडी डिपार्टमेंट बीएसएस को आगे देगा, आगे बीएसएस अपना काम कर देगी। बीएसएस के अधिकारी कह रहे हैं हमें आज चिट्ठी मिल जाओ, तीसरे दिन हम काम चालू कर देंगे। रही बात वो कह रहे हैं जो सर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँगा, छोटी सुनिए, रही बात उसमें फेस और ट्रांसफार्म लगाने की छोटी, वो 8-7 गज जगह चाहिए। और अगर कॉलोनी वाले 25-25-30-50 गज वाले लोग हैं, 25-20 सालों से तार के नीचे रह रहे हैं, छत इन पे है नहीं सही से ढंग की, हल्के ढलाव की छत है इन पे। आज इन्होंने वो 25 साल तो वो गुजार दिए, अब रोजगार है नहीं, अब 2-2, 4-4 हज़ार कहाँ से लाएँ गरीब आदमी। और रही बात अगर 7 गज जगह की बात है, मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, 7 गज जगह के जो पैसे लगते होंगे, जो पैसा जाएगा वो तो जाएगा। और रही ट्रांसफार्मर की बात, और हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे, और जो कॉलोनी के मौजूदा जिनके खेतों में कॉलोनी बनी है उन प्रधानों से भी आग्रह करेंगे कि चौधरी साहब कोई 7 गज जगह दे दो। और वो अगर वो कहेंगे कि भाई मेरी ज़मीन तो पेडेबल है, तो भाई जो शेर आएगा उसमें कुछ हिस्सा मोहित चौकन भी दे देगा, क्योंकि भाई गली में जो बच्चा मरता है, कोई इंसान मरता है, चार हमारे पड़ोस में एक लड़का मरा था, हमें पता, हम छोटे छोटे बच्चे को देख बहुत दिक्कत होती है। और ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा रुक नहीं रहा। मैं अभी आपसे 20 दिन पहले आया था, माता जी आपसे कहके गया था, मैंने कहा मैं इस मुद्दे को उठा के लेके जाऊँगा और मैं इस बारे में सत्येंद्र जैन से भी मुलाकात करूँगा, और आपको अगले महीने अक्टूबर में सत्येंद्र जैन जी के यहाँ लेके चलूँगा आप लोगों के सामने। आप कैमरा ऑन करके रखना, एक बात को मैं कह रहा हूँ। हमें 25 साल हो गए। और ये तारे कब से हैं यहाँ पे? तार जब से हम यहाँ रह रहे हैं उससे भी पहले से तारे हैं यहाँ पे। मैम आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट तो कितनी बार ही ले गए, साइन वाइन करवा के भी ले जाते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैम आप बताएं क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ तारों से? मेरे तो लड़के के भी मार दिया, मैं क्या करूँ भाई? कैसे मार दिया? छत पर मार दिया, बिजली ने पकड़ लिया था। यही तार पकड़ लिया था। क्या नाम है आपका? क्या आगे है? 4 नंबर गली में। तो मैम कोई कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग करी? वो ताता लोग लिख के ले जाएंगे, बस चुप पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। कौन बनाए हैं लिखने के लिए यहाँ पे? अब ये तो बता ही ना पाएंगे भाई जी। आप समाज सेवी हैं और आप ही के हरिनगर वार्ड के अंदर जहाँ पे आपका निवास है, यहीं पर आई ब्लॉक के अंदर हाई टेंशन की जो तार है, हाई टेंशन नहीं कह सकते, 11,000 वोल्ट की हाई पावर की जो तार है वो लोगों के छत पे से जा रही है। अगर लोगों के छत पे खड़ा होकर हाथ उठाया जाए तो हाई जो तारें हैं टच हो जाएंगी। तो इतनी समस्या से, इतनी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। आप समाज से भी हैं, काफ़ी मुद्दे क्षेत्र के आप लोगों के उठाते रहते हैं, फिर आप इस मामले में चुप क्यों बैठे हैं? ऐसा है जी, ये मुद्दा हमने पहले भी सब नेताओं के पास रखी थी ये बातें, जो कि जब आम आदमी पार्टी के विधायक थे उस समय कई जगह से तारें उतरी, हमारे इधर से भी उतरी, और ख़तरनाक तो है जी, कई जाने भी जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं नेता झूठे आश्वासन जो देते हैं इनको, एक जान से खेलते हैं, इन जनप्रतिनिधियों के नज़रों में जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। और ये इतने ख़तरनाक हो चुके हैं तार, अब देखिए जी, लोगों ने मकान भी बनाने हैं, ऊंचे भी किए हैं, बरसात भी है, पानी भी है, इससे कई हादसे हो चुके हैं बड़े।
मेरा कहना तो ये है कि ये इन लोगों ने चुनाव में भी वादे किए थे जी, ये जो आई ब्लॉक में स्थित तार है इनके लिए तो वोट भी इन्होंने अब के जो है ये बोला था कि तार हटवा देंगे, हमें वोट दे दीजिए। उन बेचारों ने वोट भी दी जी इनको, हाँ जी, रामवीर सिंह भदौड़ी जी को वोट भी दी। और भैया अब ये उनकी सुन नहीं रहे, तार जबकि हटने चाहिए, उनका काम है। इससे तार का ऐसा होता है जी, फंड होता है विधायक का, पहले भी उतरे। एक बात बताओ, सब जगह बीएससीएस तो आप लोग दिल्ली सरकार की है? नहीं, बीएससीएस को फंड देता विधायक, विधायक फंड से ये कार्य होते हैं। पहले भी उतरे, पहले भी जो उतरे हैं वो भी ऐसे ही इस प्रकार की प्रक्रिया से उतरे थे। एक बात बताओ, सब जगह उतर गए भाई, जैसा सब जगह मकान थे, जैसे सब जगह लैंड थी, वहाँ भी प्राइवेट लैंड थी जिन पर कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, तो ये भी तो प्राइवेट लैंड ही है, तो इस पर भी ऐसे ही उतरने चाहिए जैसे वहाँ उतरवाए थे जी। तो इनसे ही सौतेला व्यवहार क्यों है जी? आई ब्लॉक में है और एक दो जगह बची हुई हैं, अंडरग्राउंड करा दें, ये तो एक बताइए इन नेताओं का काम है जी। अब बताओ वोट दिए इनको तो इनका फर्ज बनता है। लोग कह रहे हैं कुछ पैसा वगैरह भी मांगा जा रहा है, वो तो मिसगाइड करेंगे ही करेंगे जी भाई। एक बताओ नेताओं का कहने का मतलब क्या है? जनता से ये कहें कि पैसा इकट्ठा चंदा करके दे दो और हम उतरवा दें? नेता के कार्यकर्ता बता रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी ने बताया था कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, दलाल बताया उनको कि वो कहते हैं कि पैसा कलेक्ट कीजिए। भैया कहाँ, वहाँ भदौड़ी जी के ऑफिस में जा कर के गए थे वो ना वो लोग, मेरे को जो पता लगी थी मुझे भी लगी थी। मैं कहीं ना कहीं ऐसी बातों की निंदा करता हूँ। बताइए पब्लिक वोट दे और अपने कार्य के लिए पैसा भी दे, ये कहाँ का नियम है जी? एक महिला के घर में हम छत पे हम गए थे, एक खंभा छत पे ही लगा रखा है महिला के, अब बताइए। भाई यहाँ पर मैं बताता रहा हूँ, लोगों की वोट ठगी गई हैं अब के इस चुनाव में, झूठ बोल के वोट ली गई हैं। नहीं, एक बताइए फर्ज बनता है, आप लोग मालिक हैं भाई, विधायक महोदय हमारे यहाँ के मालिक हैं अब क्षेत्र के, विधायक ही भाई, लोकल विधायक मालिक होता क्षेत्र का, तो इनको देखना चाहिए ये। और मैं कहीं ना कहीं ये भी बता दूं भाई, जब सब जगह उतरी और भी कई जगह उतरी, वो भी विधायक फंड से, सरकार के पैसे से उतरी, तो भाई ये क्यों नहीं उतरेगी? इनसे दुर्व्यवहार क्यों है? या तो इनको ये जल्दी उतारे, अगर जो नहीं उतारते हैं तो हम तो इस पर लगे हुए हैं। तो अगर इनका ये जो है तारे हैं, अगर ये अंडरग्राउंड नहीं होती हैं, तो आप लोगों का, खासकर आपका एक समाज सेवी के तौर पर अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, हम इसमें पूरी मेहनत करेंगे, अगर जो तार नहीं उतारते इनका विरोध करेंगे नेताओं का। भाई एक बात बताओ भाई, ये प्रजा है, हम तो प्रजा है भाई, इनको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं एक मजाक लगता है, एक जनता का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। बताओ इनके ऑफिस पे जाते बोलते हैं जी पैसे इकट्ठे कर दो, चंदा इकट्ठा करके जब तार उतर जाएंगी उतर जाएंगी, बताइए ये कितनी गलत बात है। अरे भाई आप बड़े लोग हो, ऐसे कहते हुए अच्छे नहीं लगते ये बातों को। अरे आप कराइए उस काम को, जब हुआ है आपको वोट दिए लोगों ने भाई, क्यों नहीं होगा भैया? जब और जगह उतर गए तो यहाँ क्यों नहीं उतरेंगे भाई? और जगह भी तो ऐसी लैंड है, जैसी ये लैंड है ऐसी सब जगह है जी, मतलब वहाँ उतर गए, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों भाई? ये तो गलत हो रहा है ना जी, इसीलिए ये तार हटने चाहिए और खुशी की लहर आए। भैया बेचारों की जान चली जाए, किसी की जान से बढ़ के कुछ थोड़ी है मेरे भाई, इंसान की जान की कीमत रखो ना मेरे भाई नेताजी, और इनका फर्ज बढ़ता है जी। सर क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम बी एन तिवारी, ब्रह्मानंद तिवारी है सर। तिवारी जी कितने समय से आप यहाँ पे रहते हैं? हम सर कम से कम 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, तारों का जंजाल देखने को मिल रहा है, लोगों के छत पे से जा रहा है, लोगों के घरों पे से तार निकल रहे हैं, तो क्या कुछ परेशानी आप लोगों को इन तारों की? परेशानी नहीं सर, विकट परेशानी है। हम लोगों के बच्चे या हम लोग जो है छतों पे नहीं जा सकते, जब बिजली कड़कती है तो हम लोगों के घरों तक लोगों की चिंगारियाँ और वो होती हैं, और भय इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो है बहुत भयभीत हैं। कभी भी आए दिन दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है। कभी कोई घटना हुई है वैसे यहाँ पे? घटनाएं तो बहुत हुई हैं सर जी, लेकिन वो जो है जैसे मकान वगैरह बन रहा है कभी तार सच हो जाती है। अभी एक जो है बच्ची का जो है वो अपना कपड़ा उतार रही थी, उससे जो है वो टच हो गया तार से जो है छत से, और जो है वो बाल बाल बची है, काफ़ी खर्चा हुआ है। तो इस बिजली को तो हम ये कह रहे हैं, और विद्युत विभाग से ये भी सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। टंकी के आगे नाले रोड के आगे सारी उतर चुकी है, कॉलोनी के अंदर मीठापुर चौक से आगे उतर चुकी है, केवल इतना ही क्षेत्र में आई ब्लॉक में, और ये जो है कम से कम 500 मीटर के दायरे की तार क्यों छोड़ी गई है, किस कारण से छोड़ी गई है। हम बिजली मंत्री से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या MP हैं,
विधायक एमपी सभी लोग जो है यहाँ से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग जब जाते हैं विद्युत विभाग में इन लोगों के पास तो ये कह रहे हैं जी ये प्राइवेट फंड से ही पैसा से हो सकता है, हम गरीब आदमी ना हम पैसा दे पा रहे हैं ना उनको फंड पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हमारी कार्य नहीं है। प्राइवेट फंड मतलब? प्राइवेट फंड मतलब कि पर घर के हिसाब से आप जो है इसका जो है वो कलेक्शन करो, मतलब आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं? चंदा इकट्ठा करने के बाद ही पैसा जो फंड में जाएगा तो वो हटेगी। अच्छा, जनप्रतिनिधि पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से? जनप्रतिनिधि तो नहीं, उनके जो है जो वो है जो कार्यकर्ता है वो दलाल है जिनके माध्यम से हम लोग जाते हैं, उन लोगों का ये कहना है। अच्छा, इन तारों को देखने के लिए कभी कोई आया नेता नगरी में से कोई यहाँ के आठ के लोग कभी कुछ आए? केवल इलेक्शन के टाइम चुनाव के समय ये सारी तारें हट जाती हैं, सब उनकी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो जनप्रतिनिधित्व अपना संभाल लेता है उसके बाद ये सारी चीज़ें भूल जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या क्या परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? पूरी परेशानी है, कोई भी यहाँ सुनने को राजी नहीं है। कई बार नेता लोगों के पास गए, कोई नेता सुनता नहीं है, कहता बजट आएगा तो कर देंगे, अभी बजट पास नहीं हो रहा, अभी बजट है नहीं, इस तरह की कहानी गढ़ दी जाती है। और हम लोग बीजेपी के पार्षद यहाँ से हैं, बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं, बीजेपी के सांसद यहाँ से हैं, कभी उनमें से कोई आया आप लोगों की समस्याओं को देखने के लिए या उनके पास आप लोग अपनी शिकायतें लेके गए? हम लोग तो गए लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। नहीं मिलता देंगे या नहीं हटवा देंगे, कुछ नहीं कहते। चुनाव के समय तो सब लोग जो आते हैं यहाँ पे अपना वोट मांगने के लिए, उनसे जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जिताओ, हम 100% इसको हटवा देंगे। कई बार आश्वासन मिल चुका है, चाहे जिस भी पार्टी का नेता आया होगा, जो भी चुनाव लड़ रहा होगा, वो सभी हमें आश्वासन देते हैं कि हम इस तार को हटवा देंगे। ये हमारे मैनोफेस्टो में है, उसमें लिख भी देते हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे या पार्षद बनेंगे तो सबसे पहला काम आई ब्लॉक की गली का ये तार हटवा देंगे, जो कि हमारे लिए महान समस्या है। इससे हमें आए दिन हमारे बच्चे न छत पे जा सकते हैं, ना हम लोग इतना खास करके जब बरसात वगैरह होती है तो हम लोग इतने भयभीत होते हैं कि अपने बच्चों को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही रखते हैं, ऊपर के सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे नहीं जाने देते। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।